मोतर लगभग हो चुकी है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई रेफर करने वाला नहीं। आदमी चले गए यहाँ से, 200 के लगभग चले गए। एक डॉक्टर थे, बाकी के कोई नहीं। पुलिस प्रशासन ने एक रोड जो बंद था, जाम लगा हुआ था रात 11 बजे से, वो जाम खुलवाया पुलिस प्रशासन ने। उत्तर प्रदेश तो बेहद ही दिल नूं दहला के रख देण वाली खबर सामने आ रही है, जिथे उत्तर प्रदेश के हाथरस दे विच सतसंग दे दौरान एकदम ही भगदड़ मच जांदी है। भगदड़ मचण तों बाद दर्जना की लोकां दी मौत दी वी दुखदाई खबर सामने आई है। ताज़ा जानकारी दे अनुसार हुण तक 27 लोकां दी मौत हो चुकी है, उत्थे ही 27 लाशां नूं पोस्टमार्टम वास्ते भी लिआंदा गया। दस दईए कि भगदड़ दे विच मरन वालियां औरतां दी गिणती सब तों वध है। घटना तों बाद चारे पासे हाहाकार मची हुई है। पुलिस प्रशासन राहत अते बचाव कार्यां दे विच लग्गिया होया। सूचना तों बाद प्रशासनिक अधिकारी फटाफट जिहड़ा घटना वाली थां दे उत्ते पहुंच जांदे है। दसिए कि इह सतसंग हाथरस दे फुलराए मुगल गढ़ी विखे करवाया गया। इह सतसंग सरकार नारायण विश्व हरि भोलेनाथ बाबा दा दस्सिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस दे विच होए हादसे दा नोटिस लिया। मुख्यमंत्री ने मृतकां दे परिवारां दे नाल हमदर्दी प्रगटाई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों नूं तुरंत मौके उत्ते पहुंच के राहत कार्ज तेज करन दे भी निर्देश दित्ते अते जख्मियां दे सही इलाज दे लई भी जिहड़ा सख्त हुक्म जारी कीते है। इस संबंधी जानकारी दिंदिया SSP एटा राजेश कुमार ने दस्सिया कि भगदड़ दे विच लोकां दी मौत हुई है। 27 लाशां पोस्टमार्टम दे लई आईआं है, जिन्हां दे विचों 23 औरतां, 3 बच्चे ते 1 मर्द दस्सिया जा रहा है। दसिया जा रहा है कि जिवें ही मौके दे उत्ते जिहड़ा भगदड़ मचदी है तां आस पास दा माहौल बहुत ही खौफनाक बन गया सी, क्योंकि लोग एक दूजे नूं धक्के दे रहे सी, एक दूजे दे उत्तों दी लंघ रहे सी, जिस तों बाद कई बच्चों की मौत हुई है, औरतों की मौत हुई है, तो एक व्यक्ति की भी दुखदाई मौत की खबर जी है सामने आई है। पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कांड हुआ है। पुलिस प्रशासन ने एक रोड जो बंद था, जाम लगा हुआ था रात 11 बजे से, वो जाम खुलवाया पुलिस प्रशासन ने और उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। 200 के लगभग चले गए एक डॉक्टर थे, बाकी के कोई नहीं। आगे को सप्लाई नहीं कर रहे, क्या करेंगे? हॉस्पिटल में ऑक्सीजन में बताइए, हमने कैच कैच के लाया, इनमें सांस चल रही है, जान है वो नहीं खत्म हो रही है। ना दरोगा ना मंत्री एसपी कोई नहीं है यहाँ पर, नहीं कोई ऑक्सीजन है, कोई ड्रिप लगा रहे, कोई सीरियस होगा उसमें ड्रिप लगा दे तब बच जाएगा। लगभग कितने लोगों की मौत हो चुकी है यहाँ पर? 1.5 घंटा हादसे को हो गया, अभी का कोई सीनियर ऑफिसर यहाँ पे मौजूद नहीं है, न कोई सीनियर डॉक्टर यहाँ पे, CMO साहब अभी तक आए नहीं है। 200 मौतें लगभग हो चुकी है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई रेफर करने वाला नहीं है।